हे गाइस, आज मेरे पास है यहाँ पर Realme C15 मोबाइल और इस मोबाइल में हम सीखने वाले हैं अगर आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर डस्ट चली गई है, मिट्टी चली गई है, पानी चला गया है, आवाज़ कम आ रही है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही चीज़ जानने वाले हैं। सो वीडियो अभी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए गाइस आपको प्ले स्टोर जाना है। ओके, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में डालना है स्पीकर क्लीनर। काफ़ी बढ़िया ऐप है, मैंने भी इसे यूज किया है और काफी अच्छा वर्क करता है। और ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सिंपली एक बार इस पर टिक करना है। और यहाँ पर मेन चीज आती है इसकी सेटिंग्स को सही से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेटिंग्स करने वाला हूँ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, आपको भी इसे डाउनलोड कर लेना है, आपको ये प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर होता क्या है गाइस, जब यहाँ पर क्लीनर स्पीकर पर क्लिक करते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर से एक आवाज निकलती है, धुन निकलती है, काफी खतरनाक। यहां सुन पा रहे हो आप, इस धुन से होता क्या है गाइस, जो इसके अंदर डस्ट या मिट्टी वगैरह होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। इसके अंदर पानी वगैरह होगा, यानी कि वाइब्रेट सा करता है और इसके अंदर से धुन निकलती है, काफी तेज से निकलती है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पर इस पर क्लीन करोगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम को फुल कर लेना है, ताकि जो आवाज़ है काफ़ी तेज से निकले और जो भी डस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाए। ओके, उसके बाद क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट भी कर सकते हो, आपको दोबारा से करना है तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार से आप जो भी है रियलमी के फ़ोन के स्पीकर को क्लीन कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अभी पसंद आई होगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।